नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बालकनी में कुछ थोड़ा सा काम करूंगी। गार्डन में जितना भी काम करो वो कम ही है। अभी बहुत दिन से मैंने जो नीचे ग्रिलिंग वाले जो पॉट हैं जितने भी टंगे हुए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देखा है। लगभग एक साल हो गया है मैं बस वैसे ही पानी देती हूँ, फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, तो उनको बिल्कुल भी ढंग से चेक नहीं किया है। उनकी मिट्टी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि बारिश आती है तो सीधी उन पर गिरती है, तो मिट्टी काफ़ी कम हो गई है। और मैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी खाद डाल के आज उन सभी को सेट करूँगी। देखिए नीचे जो हैं इनको मैंने जब से लगाया है इनमें मैंने मिट्टी वगैरह फिर नहीं डाली है, बस ऐसे ही दबे हुए रखे हैं। इनमें जब भी ये प्लांट लगाए थे अपराजिता के, कुछ पोर्चुलका लगी हैं, किसी में कोई प्लांट, बड़े बड़े प्लांट लगे हैं इनमें और वो ऐसे चलते रहते हैं और मैंने इनको देखा नहीं है। तो आज मैं इन सब की सफाई करूंगी और जो भी पौधे इन पर रखे हैं उनको भी अच्छे से चेक कर लूंगी। जब हटाते हैं सभी को तो अच्छे से उनको अच्छे से चेक भी कर लेते हैं तो सही रहेगा। आज मैं ये सब काम करने वाली हूँ। तो बालकनी में जगह बहुत कम है और पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो बड़ी मुश्किल से इन सबको मैंने सेट कर रखा है जगह बना बना के। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हमारे पास जगह ज़्यादा हो तो हम आराम से खुले खुले पौधे रख सकते हैं। खुले खुले पौधे रखने से ग्रोथ भी अच्छी होती है पौधों की, और जब पास पास ज़्यादा चुपक चुपक के पौधे रखे होते हैं तो ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि पौधों को भी थोड़ा सा खुली जगह चाहिए। लेकिन अब क्या करें, जो भी है इसी में मैं सेट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सारे हटा दिए हैं, सब उतार लिए ऊपर से। उनके ऊपर भी मैंने और गमले रख रखे हैं क्योंकि जगह इतनी है नहीं, ऊपर धूप आती है तो इसलिए वहीं पर मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो अभी सभी को हटा के और आपको दिखाती हूँ कि इनमें कैसे प्लांट लगा रखे हैं। देखिए ये प्लांट काफ़ी पीछे दब रहा था, ये मोगरा का, इस पर बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। तो ये भी अब मैं सही जगह पर रखूँगी, सभी की थोड़ी थोड़ा जगह बदल दूँगी। और ये हमारा जरबेरा, इसका एक फूल देखिए थोड़ा सा पुराना हो गया, ये भी आज मैं कट कर दूँगी। ये जो गमले हैं इन्होंने मेरा बहुत बढ़िया काम किया है। इन पर इनमें कुछ पौधे भी लगे हैं और इनके ऊपर बहुत सारे पौधे आ जाते हैं ग्रीलिंग पर जहाँ पर धूप आती है, तो इसकी वजह से बहुत ही काम के ये निकले हैं। देखिए ये पोर्चुल का मैंने लगाई थी इसमें कटिंग से और इतनी अच्छी हो गई है, सारी बाहर की तरफ निकल रही है, पूरा जंगल हो गया है। इतने फूल खिलते हैं लेकिन सारे बाहर की तरफ खिलते हैं, दिखते ही नहीं है क्योंकि अंदर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए धूप है ना बाहर, तो बाहर की तरफ ही सारी पूरी निकली हुई है। ऐसे लग बाहर से तो ऐसे लगता है जैसे पूरा जंगल हो रहा है, इतनी मोटी मोटी ब्रांचेज हो रही हैं इनकी। तो अगर ये खुली जगह में होती तो कितनी सुंदर लगती इन पर फूल भी मुझे दिखते, अभी मुझे तो दिखाई नहीं देते। देखिए कितनी कितनी घनी ये नीचे की तरफ लटकी हुई है। तो पोर्चुल का पर्सलैन को तो सिर्फ धूप चाहिए और बहुत ही बढ़िया अभी ये चल रही है, तो बाहर ही इसको रहने दूंगी, छेड़ूंगी नहीं। सबसे पहले जो अपराजिता है उसके कुछ पके हुए बीज हैं उनको मैं तोड़ लेती हूँ, ये काम आएंगे। और जो कच्चे बीज हैं उनको भी छोड़ दूंगी। ये काफ़ी पुरानी अपराजिता है लगी हुई इन गमलों में, अपने आप ही चलती रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो इसमें इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हैं तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इनमें थोड़ा सा मिट्टी और खाद डाला जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही कम इनमें मिट्टी हो गई है, जड़ें दिख रही थी कई प्लांट्स की। तो अभी मैं सभी में थोड़ी थोड़ी देखिए इस तरह से ऊपर तक इनको मिट्टी से भर दूँगी। देखिए दोस्तों सभी में मैंने मिट्टी भर दी है और सभी बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं अभी। तो अब ये अच्छे से जो उनमें प्लांट हैं वो भी बढ़िया तरह से चलेंगे। तो गार्डन में काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें पौधों को ठीक रखना है। तो देखते देखते जो पौधे मैंने उतारे हैं नीचे उनमें कईयों में कीड़ा लगा था जो मुझे वैसे दिखाई नहीं दे रहा था, अभी जब नीचे उतारे हैं तो अच्छे से देखने पर पता चला है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन पर मिलीबग्स लग रही है, और ये एक बार लग जाती है तो फिर फैलती जाती है। तो कल को सभी पर स्प्रे भी करना पड़ेगा ताकि ये जो कीड़े लगे हैं वो पूरी तरह साफ़ हो जाएं। तो अभी मैं इनको अच्छे से सेट करूंगी धीरे धीरे। इतने सारे पौधे हैं जब नीचे उतार के रखती हूँ तो लगता है कि कहाँ ये सेट होंगे, लेकिन धीरे धीरे सारे सेट हो जाते हैं। तो बालकनी में ये बहुत ही एक प्रॉब्लम रहती है कि सोचना कि कैसे कहाँ अपने इन पौधों को सेट करें, लेकिन जैसे भी हो मैं सेट कर लेती हूँ। तो अभी जैसे कि मधुमालती का पौधा है इसकी मैं प्रूनिंग भी कर दूंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अभी फूल भी इस पर बंद हो गए हैं। तो इस टाइम पे मैं इसकी प्रूनिंग अच्छे से कर रही हूँ, फिर से नई इसमें ब्रांचेस निकल जाएंगी। ये वाला भी देखिए कितना बड़ा हो रहा है, तो चारों तरफ फैल रहा है और जगह कम है, तो इसलिए मैं इनकी कटाई छटाई थोड़ी सी कर दूंगी ताकि थोड़ा सा कम जगह लें। तो ये काम भी हम साथ के साथ ही कर देंगे।
सभी पौधों को अभी ऐसे ही धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा जगह चेंज कर रही हूँ, इधर उधर रख रही हूँ अब की बार, क्योंकि कहीं ज़्यादा धूप आती है कहीं थोड़ा कम, तो सभी को बराबर मिलती रहे तो हमें इधर उधर पौधों को करते रहना चाहिए बालकनी में खासकर। तो सभी को मैंने अच्छे से लगा दिया है और अभी देखिए नीचे बहुत सारा कूड़ा हो गया है, तो सभी को मैं इकट्ठा करके बालकनी को साफ़ कर लूँगी। बहुत सारी प्रूनिंग करी है, पत्तियाँ वत्तियाँ हटाई हैं, तो मिट्टी भी बहुत सारी नीचे हो गई है। अभी मैं सभी पौधों में पानी दे दूँगी, आज सुबह पानी नहीं दिया है, तो जितने भी ऐसे हैं प्लांट जो सूख रहे हैं उनमें थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, और उसके बाद बालकनी की अच्छे से सफाई करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाए हैं मैंने सारे पौधे। देखिए दोस्तों सभी अच्छे से सफाई हो गई है, पौधे भी सारे मैंने लगा दिए हैं, तो अभी अच्छे से सेट हो गए हैं बढ़िया। सभी को धूप मिल रही है, ऊपर की साइड में ज़्यादातर मैं फूल वाले पौधे इसलिए रखती हूँ क्योंकि फूल वाले पौधों को धूप बहुत ज़रूर चाहिए। और ये गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छी, इस पर कली आ रही है, इसको मैंने यहाँ रखा है, इस पर कीड़ा भी लगा है तो इस पर कल स्प्रे करूँगी, और बाकी के जो और जितने भी फूल वाले प्लांट्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ ऊपर सेट कर दिया है। तो दोस्तों ये काम करने का मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, ये सालों से लगे हुए हैं ये गमले, इनमें पौधे, इनमें मैंने मिट्टी खाद बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर थोड़ा बहुत खाद वैसे ही डाल दिया, वो बस डाल देती थी। तो आज ये मेरा बहुत बड़ा काम हो गया और सफाई भी हो गई इन सभी की, और सभी पौधों की थोड़ी कटाई छटाई भी हो गई है। तो ये सभी काम मैंने आज बालकनी में किया, बहुत अच्छा लगा काम करके। दोस्तों कम जगह में गार्डनिंग करने के लिए थोड़ी सी थिकड़म फिड़ानी पड़ती है, थोड़ी जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सियाराम।